गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने अभी पिछले व्लॉग में देखा, हम लोग कश्मीर आए हैं, तो अभी हम श्रीनगर में स्टे कर रहे हैं और अब हम जाएंगे गुलमर्ग के लिए। अभी मॉर्निंग हो चुकी है, हमने खाना मंगवा लिया है, अभी पूड़ी और आलू मंगवाए हैं। ये मेरी मैडम मेरे साथ है, अब इसका फेस रिवील कर देते हैं। देखो, हेलो, ये हमने पूड़ी और आलू मंगवाए हैं। चलो खाना खाते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। अभी तैयार होके बाहर आ चुके हैं, ड्राइवर की वेट कर रहे हैं। ड्राइवर जैसे ही आता फिर निकलते हैं यहाँ से अपनी अगली लोकेशन के लिए। अगली लोकेशन आपको वहीं पहुँच के बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी ये अपना होटल था आला रेजिडेंसी, काफी अच्छा होटल है, इन्हीं का हमने ट्रेवल्स बुक किया हुआ है, आला ट्रेवल्स। बाकी काफी अच्छा होटल था, काफी नीट एंड क्लीन, लोकेशन भी अच्छी है। काफी ठंड भी काफी है यहाँ पे, इस टाइम -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, काफी ठंड है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में फिर। तो गाइस अभी होटल से निकल चुके हैं, ये हमारे ड्राइवर भैया, ये इनको चलाना। अभी नेक्स्ट लोकेशन आपको थोड़ी देर में बताएंगे, वहीं पहुंच गई कि हम किधर जा रहे हैं। ये मेरी मित्र मेरे साथ है। हेलो करो। हेलो। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये देखो, यहाँ पे केसर की खेती होती है। ये खेत आपको तो दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ये देखो, अब देखो, ये देखो, केसर की खेती होती है यहाँ पे। दोनों साइड है, इस साइड ही, इस तरह इस साइड है और इस तरह इस साइड है, और सामने देखो रोड। प्यारे प्यारे खेत हैं, वीडियो में तो आपको क्या ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे खेत हैं केसर के। अक्टूबर के महीने में हो जाती है इनकी फार्मिंग वगैरह सब कुछ। अभी तो खाली पड़े हैं खेत, ये देखो, ये देखो, जगह जगह सीआरपीएफ वाले खड़े हैं, जगह जगह। भाई हर एक शोर पे केसर केसर केसर, क्यों यहाँ पे खेत है ना ये केसर वाले। अभी तो पीछे बहुत बड़ी मार्केट थी, दोनों साइड मार्केट थी। ये देखो दोबारा स्टार्ट हो गए केसर 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 केसर। वो देखो सामने, अब सामने का व्यू देखो, खतरनाक लग रहा है। वीडियो में तो आपको क्या ही पता लगेगा, लेकिन गाइस अभी रुक गया है कावा पीने के लिए, कश्मीरी कावा। ये शॉप है भाई, पेटल्स एंड नट्स, कश्मीरी कावा पीने के लिए रुके हैं। अभी कश्मीरी कावा आ चुका है, ये देखो, देख के मुंह में पानी आ रहा है। केसर रखा है, केसर हमने टेस्ट कर लिया, अब यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। पहले ले लो यहाँ का आलमंड, ये जो यहाँ का आलमंड है, जो बादाम है ना यहाँ के, आप खाते हो, आज खाते आए हो कि कैलिफोर्निया के, वो मोटी मोटी गिरी और बड़ी बड़ी गिरी खाते आए हो आज तक। अगर आपने छोटी भी खाई होगी वो गुरबंदी होगी, उसमें कड़वा दाना भी है। बट ये वाला वो है जिसका नाम है मामरा, दुनिया का नंबर वन या टॉप मोस्ट बादाम है। टेस्टी अलग है ना, इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए लगता है और दिमाग के लिए बढ़िया रहता है। और इसमें ओमेगा 3 वाला ऑयल रहता है, वो मैं दिखाता हूँ इसके अंदर ऑयल कितना ज़्यादा रहता है। ये देखो गाइस, ये शिलाजीत, ये केसर, ये भी केसर, देखो इसके अंदर ऑयल कितना रहता है। जो आज तक आप खाते आए ना, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं घास और चना। देखो आए, और इसके बाद अखरोट गिरी की बात अगर हम करेंगे, अखरोट गिरी में भी यही अंतर रहता है। अब खा लो मैम, अखरोट गिरी में भी ये अंतर है। मैंने इतनी सी ली ना हाथ में, इसको ये मैं थोड़ा सा क्रैश करूँगा, इसमें भी ऑयल देखो, ये ओमेगा 6 वाला ऑयल रहता है, ओमेगा 30 के लिए लगता है, हार्ट के लिए लगता है और कोलेस्ट्रॉल के लिए लगता है। बढ़िया, अभी शॉप से निकल चुके हैं, कश्मीरी कावा हमने पी लिया है, ये हमने शॉपिंग करी है, ये फेस सीरम आया है, ये है ब्यूटी क्रीम मैडम की, ये लेके आई है कश्मीरी सैफ्रॉन का, और ये हो गया केसर, ये लेके आए हैं। और कुछ भी लिया है? नहीं। और नहीं लिया कुछ? नहीं। ब्यूटी के लिए? नहीं।
रास्ते में जा रहे थे। अभी यहाँ पे रास्ते में एप्पल का गार्डन दिखा, देखो कितना बड़ा है गार्डन है, एप्पल का गार्डन दिखा देखो। अब यहाँ एप्पल जूस पियेंगे, देखो एप्पल जूस पियेंगे। भाई एप्पल गार्डन में अंदर आए हैं अभी भी, देखो काफ़ी चीज़ें रखी है, सब कुछ एप्पल का फ्रेश, खुद ही बना रहे हैं, देखो एप्पल जूस बना रहे हैं खुद ही। ये एप्पल की जैम, एप्पल सॉस, अभी जूस पीते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा लगा टेस्ट। ये देखो ना, ये एप्पल लगे हुए हैं, देखो ये देखो, ये देखो मिशीर, ये हमारा एप्पल जूस आ गया है, अभी पीते हैं इसको, देखो कैसा लगा। चल अच्छी बात है, काफी ठंडा है। हाँ ठंडा तो होगा, यहाँ पे भी तो ठंडा है। अभी यहाँ से निकल चुके हैं, एप्पल जूस हमने पी लिया है, अब हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन आपको वहीं जाके बताएंगे कि हम जा किधर है। वैसे जो लोग इधर आए हैं घूमने वो समझ गए होंगे हम किधर जा रहे हैं, ताकि जाके बता देंगे किधर आ जा रहे हैं अभी, ठीक है। देखो बाकी व्यू बड़ा खतरनाक लग रहा है भाई, दोनों साइड इधर एप्पल के वो गार्डन ही गार्डन, और इधर माउंटेन्स, और सामने हमारे ड्राइवर भैया। अच्छा क्या ले रहा? ले तो हमने लेज चिप्स ले लिए रास्ते के लिए, ताकि रास्ते में हल्की हल्की सी भूख लगे तो हम खा सके। मिलते हैं आपको डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय। अभी पहलगाम पहुंच गए हैं, हमारी नेक्स्ट लोकेशन। अभी हॉर्स राइड कर रहे हैं, गाड़ी नीचे रुक गई हमारी, वहां से हॉर्स राइड स्टार्ट हुई है। अभी जा रहे हैं पहलगाम एक्सप्लोर करने, आपको दिखाते हैं। देखो ये देखो, ये मेरी मिसिस, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। ये देखो अभी तो गाइस, अभी पहलगाम ऊपर आ चुके हैं, मिनी स्विट्जरलैंड के रहता है जो, उन घोड़ों पे आए हैं, वो घोड़े खड़े हैं, देखो हमारे पता नहीं कहाँ खड़े होंगे। यहाँ खाने पीने का सामान, ग्राउंड देखो कितना बड़ा है, देखो ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, पीछे स्नोफॉल भी रखी है। दो मिनट रुक जाओ गाइस, लोकेशन बहुत अच्छी है पहलगाम में ऊपर जो मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है, बहुत अच्छी लोकेशन है। ये देखो इधर बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, ये लोकेशन देख सकते हो आप, ये देखो पीछे स्नोफॉल हो रखी है, यहाँ पे भी स्नोफॉल हो रखी है, ये देखो आप, बड़ी अच्छी लोकेशन है। वो एंट्री है यहाँ से इसकी, ये वो देखो वो एंट्री है, ये इधर बैलून पड़ा है। बाकी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है इस टाइम। तो अभी हम आए थे पहलगाम, तो यहाँ पे मिस्टर का फोटो शूट हो रहा है, आप देख सकते हैं काफी अच्छी जगह है, स्नो भी काफी ज्यादा है। तो इनका फोटो शूट बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा। तो गाइस यहाँ का व्यू आपने बहुत देख लिया, अब हम चल रहे हैं आगे नेक्स्ट व्यू पे, बाकी आपको दिखा देंगे जैसा भी व्यू होगा। सूरज भी निकल आया ये देखो, अब बस नेक्स्ट व्यू पे चल रहे हैं, जैसा होगा आपको दिखा देंगे। चलो तो गाइस अभी ऊपर से आ गए हैं वहां से मिनी स्विट्जरलैंड से, ये सामने कश्मीर वैली आया, वीडियो में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वैसे दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे फोटो शूट कराएंगे एक दो, ये देखो रास्ता देखो कैसा है, अभी तो फिर भी प्लेन रोड है, अभी तो फिर भी प्लेन रोड है, लेकिन
जहाँ से हम आए हैं ना वहाँ तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी। ये देखो ये मेरी मिसिज, ये बहुत डरी आते हुए। ये कश्मीर वैली है और ये भैया जो हमारे घोड़े चला रहे हैं दोनों। तो गाइस अभी घोड़े की सवारी कर रहे हैं, ये देखो डर बड़ा लग रहा है भाई। ये तो साफ रास्ता है फिर भी, लेकिन जो रास्ता हम पीछे कवर करके आए हैं ना बस हमें ही पता है, चलने की जगह भी नहीं थी बिल्कुल भी, और घोड़े वहाँ वहाँ से निकल के आए हैं। रास्ता तो था ही नहीं बिल्कुल भी, फिर भी निकल के आए हैं। देख लो घोड़ों ने खुद रास्ता बनाया। अब तो फिर भी प्लेन सड़क आ गई है थोड़ी सी। ये देखो आप वैली देख सकते हो, ये देखो ऊपर पेड़। तो अभी हम वापस पहलगाम में आ चुके हैं। यात्रा काफी खतरनाक हुई थी और एडवेंचर बहुत ज्यादा था और मजा भी बहुत आया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। ये बस है यहाँ से जाके। मौसम भी खराब हो गया है। तो गाइस अभी बाजार में पहुंच चुके हैं। ये पहलगाम का पहलगाम की मार्केट है। देखो अभी चल रहे हैं हम घोड़े पे, जहाँ पे इनका स्टैंड है वहां तक जाएंगे। ये देखो काफी मजा आया भाई, एडवेंचरस काफी था, काफी डर लगा। बाकी जा रहे हैं अब अपने टैक्सी स्टैंड पे, जहाँ हमारी टैक्सी खड़ी है उसमें से सामान उतारेंगे, फिर देखते फिर जाएंगे होटल। साथ साथ गाड़ियां भी चल रही हैं और हम चल रहे हैं। तो गाइज अभी होटल ले लिया है, अभी मार्केट में जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। इस टाइम टेम्परेचर यहाँ पे 0°C है और रात में -5 जाएगा। और ये देखो सामने बर्फ, मौसम भी खराब हो रखा है। ये हमने होटल लिया है, होटल हिल व्यू। मौसम भी खराब हो रखा है, बाकी शायद रात को कह रहे हैं यहाँ पे भाई स्नोफॉल भी हो सकती है। बाकी अभी मार्केट जा रहे हैं, देख लेते हैं कुछ मार्केट में। ये मिसिज आ रही है चली हुई, ये देखो पैक होके पूरा। चलो मार्केट में मिलते हैं आपको। अभी मार्केट पहुंच चुके हैं, ये देखो सामने बड़ा साइड, आपका साइड। ये देखो सामने सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है सनसेट। तो गाइस मार्केट से घूम आए हैं, मार्केट में कुछ था नहीं आपको दिखाने लायक। अभी रूम पे वापस जा रहे हैं, एक जगह नजर गई है। ये देखो आप भी देखो, वो देखो व्यू, बड़ा खतरनाक सनसेट। ये देखो है ना खतरनाक। अभी बस रूम पे जा रहे हैं, फोटो में इतना अच्छा नहीं लग रहा, बाकी वैसे देखने में काफी अच्छा है। और इधर का व्यू देखो, अभी बस रूम पे जा रहे हैं, सीधा जाके रेस्ट करेंगे, काफी थक गया आज हॉर्स राइड करके। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस रूम में आ गए थे, खाना मंगा लिया हमने। ये चपाती है, ये है चावल मिक्स वेज, ये पनीर, ये दाल, ये सैलेड और ये गर्म पानी रखा है। बाकी खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, या फिर शायद सुबह। चलो तब तक के लिए बाय।